हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, ये आज की हमारी जॉब है सैमसंग की 48 इंचेस की एलईडी टीवी है। मॉडल नंबर है UA48H5142AR। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें ये है कि सेट ऑन है हमारा, साउंड वगैरह सब इसकी आ रही है, चैनल वगैरह सिस्टम इसका वर्क कर रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है इसमें। दोस्तों बैकलाइट्स इसकी ऑन है, अभी मैं आपको नॉक नॉक करके चेक करवाता हूँ, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। ये देखिए बैकलाइट इसकी ऑन है लेकिन सेट में डिस्प्ले नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, काम करते हैं, देखिए क्या मसला निकलता है। छोटा सा इसमें नॉलेजेबल वीडियो है, काम आएगी आप लोगों को। बड़ा कोई काम करने से पहले ये ज़रूर करके देखिएगा। अच्छा, सेट मैंने रख के खोल लिया है, ओपन कर दिया है और सेट प्लग इन भी कर दिया है। ये देखिए बैकलाइट इसकी ऑन है होल में से, और टीकॉन बोर्ड में इसके प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो ये तीन इंडिकेटर होते हैं, 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और VGH इंडिकेटर होते हैं, तो इसका जो VGH का इंडिकेटर है वो डिसेबल है, ऑफ हुआ है, वो ऑन नहीं है। वो ऑन होगा तो वीडियो आएगी। और ये देखें 12 वोल्ट और 3.3 वोल्ट का इंडिकेटर जो है वो ऑन है। अब ये VGH का रेगुलेटर अमूमन ऑन नहीं होता ना, तो पैनल में कोई मसला होता है, सिग्नल रिटर्न नहीं आ रहे होते, तो ये इंडिकेटर ऑन नहीं होता है। लेकिन इसमें कोई पैनल वगैरह का मसला नहीं है, इसमें एक छोटा सा मसला है, ये यहाँ पर इंडिकेटर होता है। जो टेक्नीशियंस होते हैं काम करने वाले, उन लोगों को तो पता होगा। तो ये सिग्नल रिटर्न आते हैं पैनल से तो फिर ये इंडिकेटर ऑन इनेबल होता है। अब देखें इसमें ये छोटा सा मसला निकलेगा, आप लोगों को बहुत यानी काम देगा। कोई भी बड़ा काम करने से पहले ये ज़रूर चेक कीजिएगा, कोई भी आईसी वगैरह खोलने से पहले, डी सोल्ड करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले ये छोटा सा काम ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसमें ये कर रहा हूँ फ्रेंड्स के देखें, ये दो FPC केबल है, तो मैं सिंपली ये कर रहा हूँ कि दोनों केबल्स मैंने खोल ली हैं सॉकेट्स में से, और ये केबल निकाल के मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। ये राइट वाली जो केबल है ये मैंने लेफ़्ट पे रख देनी है, और लेफ़्ट वाली जो केबल है वो मैंने राइट पे रख देनी है। बस ये मैंने इंटरचेंज कर लिया है, यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, केबल तो सेम ही होती है, लेकिन मैं आप लोगों को चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा अभी केबल लगा रहा हूँ मैं। इसके FPC केबल्स वगैरह में कोई रिबिन्स में कोई एरर आया हुआ होगा, कोई कार्बन मॉइस्चर का कोई डॉट इसमें लगा हुआ होगा। पहले तो मैंने यही काम करके देखा, इससे पहले भी कई सेटों में ये हुआ है मेरे साथ कि ये प्रॉब्लम निकली है। तो कोई भी बड़ा काम करने से पहले, टीकॉन का बाईपास करने से पहले, प्रोटेक्शन तोड़ने से पहले ये काम ज़रूर कीजिएगा। ये देखें मैंने केबल चेंज की और मैं प्लग लगा रहा हूँ, सेट ऑन हो गया है, और ये तीसरा VGH इंडिकेटर हमारा इनेबल हो गया। ये देखें सेट ओके है, ये रहा इंडिकेटर। तो ये छोटा सा काम था, ये ज़रूर करके देखिएगा दोस्तों। ये काम इस तरह का है कि लगता है पैनल ख़राब है या टीकॉन बोर्ड ख़राब है या क्या पता क्या मसला है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, LED TV है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन ये छोटा सा काम ज़रूर कीजिएगा। अब इसका मैं आप लोगों को डिस्प्ले चेक करवाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया होगा तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।